for your words. You always motivate us. Esteemed parents, today we have investiture ceremony of young leaders of the school. Before this responsibility is assigned to the young leaders, it is important that they all understand what it takes to be a leader. A leader is not someone who feels scared of challenges. A leader prepares himself for challenges. He knows it extremely well that it is in the face of tough situation when the power of an individual comes to fore. It is in the tough situation that people become familiar with their innermost strength that usually remains hidden. This is the theme of our next play, which we are going to present before you all. The title of this play is Pehli Udaan, and it is a translation of story written by Lion O'Flaherty. This is the story of a young seeker who is destined to fly, but he is scared of coming out of his comfort zone. Let's see how his parents enable him to come out of his comfort zone and how he learns to fly. Let's watch this video. Father Seeker are trying very desperately to urge their child to fly, but he is reluctant. All that parents are to say to inspire the child through a song sang in background. Yeah.
पंख फैलाओ और उड़ान भरो। उड़ना तुम्हारी पहचान है, उड़ना तुम्हारा काम है। बेटा काम करना तो आवश्यक है, काम करोगे तो जिंदगी चलेगी, काम करोगे तो कामयाबी मिलेगी, काम करोगे एक सम्मान मिलेगा, एक पहचान मिलेगी। मुझे डर लगता है कि मैं यकीनी तौर पर यहाँ से छलांग लगाते ही गिर जाऊंगा। मैं नहीं उड़ पाऊंगा, मेरे पंख खुलेंगे ही नहीं। मुझे पता ही नहीं है कि इन पंखों को कैसे खोलना है। माँ आप जाएं, मुझे अकेला रहने दें। बच्चे हम तुम्हें गिरने नहीं देंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारे पंख निश्चित रूप से खुल जाएंगे। जब तुम कोशिश करोगे तो कुदरत भी तुम्हारा साथ देगी। तुम्हें हम पर, खुद पर और ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए। बेटा अब तुम ये बात मत भूलो कि तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम खुद उड़ान भरकर समुद्र के पास जाकर मछली पकड़ो और इस तरह से अपना पेट भरो। अब हम तुम्हारी मछली नहीं पकड़ेंगे, यह बात तुम अच्छी तरह समझ लो। आप जाए, मुझे मत बुलाए, मैं नहीं उड़ पाऊंगा। मैं गिरने के बजाय भूखा रहकर मरना ज्यादा पसंद करूंगा। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी ये बात सुनकर। तुम्हारे जैसे दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मरना पसंद करेंगे लेकिन मेहनत करना नहीं, और तुम भी मेहनत से भाग रहे हो। तुम अपने फर्ज से, कर्म से मुंह मोड़ रहे हो। जो अपने फर्ज से मुंह मोड़ता है उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। जा रहे हो यहाँ से, रहो अकेले। Parents fly, they go to another hilltop with where the surface is flat. There they sit with their two more children and have their food. The youngest seagull look at them and feels the pang of hunger. पता नहीं कैसे माता पिता है मुझे यहाँ अकेला छोड़कर वहाँ खुद आराम से ताजी मछलियाँ खा रहे हैं। इनके लिए तो मेरे पास केवल एक उपदेश है। इन्हें अपने इतने छोटे से बच्चे की जरा से भी फिक्र नहीं है। क्या चला जाएगा इनका अगर यहाँ मुझे a small child. On seeing the miserable plight of her child, she feels deeply moved. She sets up and says, "Child Seagull tries to jump from the edge, but he doesn't succeed in jumping. He tries 3-4 times, but can't master the strength." मैं अपने बच्चे को भूख से लाचार होकर नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ। बच्चे पहले खुद अपनी मदद करो, उसके बाद मुझसे मदद की उम्मीद रखो। लेकिन मुझे तो नहीं उड़ना आता, कोई आता तो बताए सही। बच्चे अपने पंख खोलो और फहराओ। मुझे तो अपने पंख नहीं फहराना आते। हिम्मत करो और पंख खोलो तो सही बच्चे। हो गया है कि हर चुनौती का हल हमारे ही अंदर होता है। आनंद
अपनी शक्ति और क्षमताओं से परिचित नहीं हो पाते हैं और इसी प्रकार कई सारे मनुष्य भी आलस के जाल में फंस कर कुछ नहीं कर पाते और कुछ तो केवल कई सालों तक रेंगते ही रहते हैं।
बेटा तुम्हें डरना नहीं चाहिए, तुम्हें डरने की जगह पर प्रयास करना चाहिए। दिमाग लगाओ और खुद को आगे बढ़ाओ। इस जीवन में हम सबको बहुत से दिन और घंटे मिले हैं। अगर हम अपने दिन घंटों और मिनटों का सही इस्तेमाल करें और चुनौतियों से भागे नहीं बल्कि उनका डटकर सामना करें तो हम अपने और देश के काम आएंगे। हम सबको ईश्वर ने बनाया है, हम सबको ईश्वर पे भरोसा रखना चाहिए। अपनी शक्तियों को पहचानें, अपनी शक्तियों को पहचानें और उनको दिल से माने। सुस्त पड़ने से, काम ना करने से और काम टालने से हमारी शक्तियां दब जाती है और हमारे पंख गिर जाते हैं और हम उड़ान नहीं भर पाते। अपनी शक्तियों को दबने ना दे, अपने पंख को गिरने ना दे, अपनी शक्ति को पहचाने, पीछे मुड़ के ना देखे और आसमान की ओर चले।